मौके से दूसरा राइडर साथ, जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ दूसरा राइडर वहां से भाग गया। वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं खुद देख आया हूँ। तो गाइज आज भी मेरे पास प्रो राइडर से रिलेटेड बहुत सारी न्यू अपडेट्स हैं जिनसे ये केस 99.9% सॉल्व हो जाएगा। और गाइज पिछली बहुत सारी वीडियोस में आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। तो भाई पहली अपडेट है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में बताया गया कि प्रो राइडर के फादर सेक्शन 304A के अंतर्गत FIR रजिस्टर कर चुके हैं। हिट एंड रन के केसेस में ज्यादातर यही सेक्शन लगाया जाता है और साथ ही सारे राइडर्स को पुलिस ने बुलाया भी है। पर अभी आमिर माजिद अपनी मदर की तबीयत खराब बोलकर पुलिस के पास जाने से बच रहे हैं, जिसके बाद अगस्त्या के फादर का कुछ ये कहना था। आमिर माजिद अपनी गाड़ी बहाना बना रहा है, मेरी मदर बीमार है, उन्होंने फोन किया उसे। चोरी तो भागता है। सेकेंडली अगस्त्या के फादर को पूरा यकीन है कि वहाँ किसी फोर व्हीलर ने अगस्त्या को हिट किया है, वरना वो बाइक डिसबैलेंस नहीं होती, जिसका उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें रोड पर टायर के निशान बने हुए हैं और वो एक फोर व्हीलर के हैं और काफी गहरे हैं। खाली रोड में आदमी ब्रेक क्यों मारेगा? अंकल ये तो कार के निशान, कार का टायर है, कार है, कार के टायर है, जो खाली रोड में ब्रेक क्यों मारेगा? पर साथ ही आप अगस्त्या चौहान की बाइक को देखोगे तो बाइक के आगे का राइट साइड वाला हिस्सा बहुत डैमेज है, बाकी पूरी बाइक ठीक ठाक हालत में है। साथ ही बाइक का जो 360 कैमरा था उसके बारे में भी कुछ पता चला है। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहीं के लोकल लोगों में से किसी ने वो कैमरा चोरी किया है, जिसकी जानकारी वहाँ के ही पास के दुकानदार ने दी। वहीं पे गाड़ी में लगा हुआ था कैमरा, तुम्हें पता नहीं चला? जो इतने हम और दोस्तों को बुलाया था देखने के लिए, तो इसलिए मैं और चोरी ले गया। आप लोगों ने ढूंढा था वो कैमरा? ढूंढा, पुलिस ने बोला ढूंढने के लिए? आसपास नहीं, हमने ढूंढा, तो क्या पता, हमको तो यही लग रहा था कि ढूंढ के ले गया। आमिर माजिद जो कि अगस्त्या के क्लोज थे, एक अच्छे दोस्त थे, वो अगस्त्या के एक्सीडेंट वाले दिन क्यों अगस्त्या के पास नहीं पहुंचे, इस बात पर वीडियो के एंड में बात करेंगे। पर आमिर माजिद के ऊपर अगस्त्या के फादर का इतना पक्का शक क्यों है, इसकी वजह खुद आमिर माजिद ही है। ये क्लिप देखिए। साथ ही प्रो राइडर एक्सीडेंट के आई विटनेस भी मिल चुके हैं जो कि वहाँ उस दिन मौजूद थे। वहाँ जो आई विटनेस थे वो ऑटो रिक्शा वाले थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे इस केस का दूसरा पहलू निकल कर आया। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा तो उन्होंने ये कहा। कुछ नहीं था, अगले वाला तो निकल गया, पिछले वाले का ही बैलेंस खराब है। साथ ही प्रो राइडर का हेलमेट कैसे टूटा वो भी बताया। तो हेलमेट उतर गया था अपने आप? उतरो ना, तो हेलमेट फट गया था, ये भेजा निकल कर आ गया था निकल। हेलमेट गिरते ही फट गया था, हमें ये तो पता है। आमिर माजिद तो स्पीड में थे, पर क्या प्रो राइडर भी स्पीड में थे, इस बात से भी पर्दा उठा। आते आराम आराम से ला रहे हो तुमने, यहाँ सवारी देखते या कैसे देखते नहीं, हमने एकदम स्पीड बढ़ा दी, गाड़ी बढ़ा दी, अगले बार तो निकल गो, पिछले बार एक भी कहा आवाज हुई या गाड़ी बारे इधर चल लगे भैया, अभी तो गिरेगी गाड़ी। साथ ही बहुत सारी बातें डिटेल में बताई। तो एक्सीडेंट उधर साइड हुआ जाके, वो जो गाड़ी जा रही ना, हाँ उसके ये अब फिलहाल जहाँ आया ना वहाँ हुआ था। अच्छा, उतनी दूर हुआ जाके? तो लड़का यहाँ से गई थी, यहीं से बैलेंस बिगड़ गया था उसका। अच्छा जी, पहले आए ये 100 नंबर इधर से, 719 नंबर इनोवा, उसके बाद आए हाईवे वाले, एम्बुलेंस पहले से खड़ी थी। अच्छा, ये बाद में एम्बुलेंस पहले आ गई है, उसके बाद में थाने से आए वगैरह, वो अपने आंखों के सामने उस बॉडी को उठवा के लेके गए। कुछ लोग बोल रहे थे टक्कर मार के चला गया कोई, टक्कर मार के भी नहीं गया ना कोई, बस गाड़ी गाड़ी और पीछे भी कोई नहीं थी, कोई नहीं, आगे पीछे तो कोई गाड़ी नहीं उनके, पीछे गाड़ी होती ना लौटते टाइम भी पता चल जाएगा किसी को, अगर कोई इंसान लौट के आ रहा है तो भी पता चल जाएगा ना जगह। अगर 1.5 घंटे के अंदर वो बंदा वापस आया होगा तो बिल्कुल पता चला होगा, तो अगर वो आया ही नहीं होगा तो पता नहीं सकते, वो नहीं आया ना, आया नहीं। तो तुम कितने टाइम तक थे यहाँ पे?
शाम तक थे तो। इनकी बात से एक सवाल उठता है, आमिर माजिद को दूसरी साइड से जाते हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था तो वो क्यों अगस्त्या के पास नहीं पहुंचे? एनीवे सूरज वर्मा अगस्त्या चौहान के घर पहुंचे तो उनसे प्रो राइडर की फैमिली ने काफी सवाल जवाब किए, जिसमें से कुछ सभी राइडर को अपने बयान देने के लिए पुलिस बुला रही है और आमिर माजिद नहीं जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं ये तो आमिर माजिद को ही पता है। पर सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन और आई विटनेस के बयानों से तो यही लगता है कि इस केस में शायद आमिर माजिद का कोई हाथ ना हो, पर आमिर माजिद का अगस्त्या की फैमिली का साथ ना देना उन पे डाउट क्रिएट कर रहा है। पर एक बात तो श्योर है कि हर किसी को भावनाओं में बहकर अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कौन दोस्त होता है जिसके दोस्त की डेथ हो गई है, बॉडी सड़क पर पड़ी है, फिर भी वहां तक एक घंटे के अंदर नहीं जाया गया जबकि उनकी बाइक 300 की स्पीड तक आराम से चली जाती है। आजकल दोस्ती के मायने बदल गए हैं और लोग जरूरत के हिसाब से दोस्त बनाते हैं। खैर आमिर माजिद दोषी हो या ना हो, पर एक अच्छे दोस्त तो बिल्कुल नहीं थे और